जनपद पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार और सरपंच संघ जिला अध्यक्ष वैभव विसेन की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा योजना में कटौती के आदेश से नाराज सरपंचों ने 23 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। इस दौरान सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष वैभव विसेन ने कहा है कि मध्य प्रदेश शासन ने 1 जुलाई को मनरेगा योजना में कटौती का आदेश जारी किया है, जिसे पूरे प्रदेश के सरपंचों में नाराजगी व्याप्त है। सरपंच इसे प्रदेश सरकार का पंचायतों के लिए काला कानून और मजदूर विरोधी कह रहे हैं। जारी आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर 23 जुलाई को राष्ट्रीय सरपंच संघ और अखिल भारतीय पंचायत परिषद का भोपाल में धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश के 23,000 सरपंच शामिल होंगे। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदेश के सभी सरपंच काम बंद कर देंगे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने सरपंचों की इस मांग को जायज बताते हुए सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। क्या आंदोलन की रूपरेखा क्या स्टाइल है? अभी 1 जुलाई को आप लोगों को पता होगा कि मध्य सरकार द्वारा जो है एक आदेश जारी किया गया मनरेगा में कि केवल जो है यहाँ मजदूरी के काम में लेंगे, मटेरियल संबंधी या कोई दूसरा रचना जो मटेरियल का यूज होता है ऐसे संबंधी कोई पक्के काम नहीं है। तो उसमें पूरा सरपंच जो है पूरे मध्य प्रदेश का सरपंच बहुत भयभीत हो गया है, काम कैसे करें इस पर बहुत विचार मंथन चल रहा है। और आज हमारे पूरे ज़िले के तमाम सरपंच भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पूरे 10 ब्लॉक के लगभग सभी सरपंच आ चुके हैं और आज की बैठक हमने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के प्रमुख अतिथि में आयोजित करवाई थी। और बैठक में तय किया गया है कि अभी जो 23 तारीख से गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग चल रहा कार्यक्रम चल रहा है भोपाल में 23, 24 और 25 तीन दिन ट्रेनिंग हो रहा है, 23 को सरपंचों की, 24 को जनपद सदस्य, फिर जिला पंचायत सदस्य, फिर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी शामिल हो रहे हैं बालाघाट से। तो वो इन सारे मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेंगे और साथ में 23 तारीख को राष्ट्रीय सरपंच संघ और अखिल भारतीय पंचायत परिषद का संयुक्त मोर्चे में कार्यक्रम है और धरना प्रदर्शन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव है। उसमें यहाँ से हमारा बालाघाट जिला सरपंच संघ पूरी ताकत के साथ जा रहा है और हम इस बात को, इस घटना का जो आदेश हुआ है इसका पूरा विरोध करेंगे और इसको बदलवा के ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे में हम लोग यहाँ काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ का पूरा वर्ग जो है लेबर वर्ग है और हम अगर हमारे को मजदूरी ही नहीं मिलेगी, हमारी योजनाएँ बंद हो जाएगी तो हमारा लेबर जाएगा कहाँ, मजदूर जाएगा कहाँ, क्योंकि यहाँ पे जितना हमारा ट्राइबल एरिया बैयर हो गया, परसवाड़ा हो गया, बिरसा हो गया, 100% मनरेगा के ऊपर डिपेंड है। मनरेगा योजना में इतनी भारी कटौती हो जाएगी तो हम काम कैसे कर पाएंगे? और हमारे बाकी के जो बचे हुए ब्लॉक है वहाँ पे भी लगभग 65% हमारा लेबर जो है मनरेगा में काम करता है। इसके अलावा कुछ और दूसरी जो मांगे हैं विसंगतियों को लेकर के मांगे रखी गई है वो अलग है। जैसे एक प्रमुख मांग इसके बाद में सेकंड नंबर की जो सबसे प्रमुख मांग है वो प्रधानमंत्री आवास की मांग है। प्रधानमंत्री आवास पिछले 4 साल से एक भी मकान जो है हम नए मकान चालू नहीं हुए और जो सूची आनी थी वो सूची भी नहीं आई। सरकार ने बोली कि लाडली बहना आवास योजना लाएगी, वो लाडली बहना आवास योजना की सूची भी आज तक प्रकाशित नहीं हुई। कुल मिला के जुमलेबाजी कर रहे हैं। हमारे कहने वाले 2 साल हमारे सरपंच जी के निकल गए लेकिन हम एक भी मकान वहाँ पे नहीं बनवा पाए। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि रेत में जो रॉयल्टी अनाप शनाप रेट 3,500-4,000 रुपये की रेत आ रही है, गरीब आदमी कहाँ से मकान बनवा लेगा? 3,500-1,500 अगर आप मकान का पैसा दे भी देते हो, प्रधानमंत्री आवास से मकान आ भी जाता है, 1,500,000 का आप मकान दे रहे हो, पहले तो वहाँ भी संगति है, शहर में 2,50,000, गाँव में 1,50,000, उसको भी 2,50,000 करना चाहिए, बराबर देना चाहिए, एक को माँ का एक को मौसी का। उसके बाद में एक तो रेट कम दे रहे हैं, उसके बाद में रॉयल्टी में रेत वाले लूट रहे हैं, 4,500 रुपये की रेत आ रही है, 4,200 रुपये की रेत आ रही है, ऐसे कैसे मकान बनवा पाएंगे? इस विषय पे भी चर्चा कर लेंगे, रेत में हम लोग क्या करें। भैया घेराव के बाद भी यदि मांगे नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? पूरे 23,000 सरपंच भाई बहन काम बंद कर देंगे, क्योंकि सरपंच ही ऐसा एक वो है, मतलब बिंदु है पूरे सरकार का, एक व्यक्ति है जो पूरे के पूरे सिस्टम के बनाए हुए कामों को धरातल पे इम्प्लीमेंट करता है, पूरी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर देखते हैं सरकार कैसे काम करती है। 23,012 सरपंच है पूरे मध्य प्रदेश। भैया अभी एक उपयंत्री उषा डोंग आज सरपंच संघ के अध्यक्ष हमारे विसेन जी और सभी सरपंच करीब 350-400 सरपंच यहाँ आज आए हुए हैं उनके माध्यम से, तो 23, 24, 25 को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भोपाल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में क्या समस्याएं हैं हर किसी को, तो
इसके पहले हम उस सम्मेलन में जाए उसके पहले हम अपने जो अध्यक्ष जी है उनके साथ में अपने पूरे सरपंचों से मिलके उनको क्या समस्याएं हैं उसको लेकर हम पूरे नोट्स बना के अपने मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सामने इसको पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए आज और जो भी समस्याएं इन लोगों की है उसको पूरा नोट डाउन करके हम उसको सरकार के सामने रखेंगे ताकि इनकी जो समस्या है उसको हम दूर कर सकें। प्रमुख समस्या क्या आ रही है पंचायत? प्रमुख समस्या तो अभी जो मनरेगा में इन लोगों ने चेंज किया है जिसमें एक स्वतंत्रता होती थी और जो दो टाइप का जो एक लेबर और एक मटेरियल से संबंधित जो पेमेंट होता था मनरेगा का तो उसको समाप्त किया जा रहा है और जो अपनी मनमानी के हिसाब से कामों को जो रोका जा रहा है उसको लेकर सरपंच काफ़ी चिंतित है क्योंकि मनरेगा के अलावा हमारे सरपंच भाइयों के पास में या तीसरी पंचायत के पास में ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से कोई काम कराया जा सके क्योंकि 15वें वित्त में बहुत थोड़ा सा पैसा आता है जिसमें कोई काम नहीं कराया जा सकता। तो उसी सब चीज़ों को लेकर चिंतित हमारे भाइयों के साथ हम बैठे और आगे क्या अपनी रणनीति बनाना है उस पर हम विचार करें। आपसे उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री के पास आप सभी बातें होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाके पूरी बातों को इनकी रख के पूरे पॉइंट टू पॉइंट बना के पर्सनली मैं मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों से आप सभी भाइयों की समस्या रखूँगा। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।